ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यही चैप्टर का नाम है और यही हम लोग पढ़ेंगे आज। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इनहेरिटेंस क्या है और वेरिएशन क्या है, इस दोनों बातों को समझेंगे। इनहेरिटेंस क्या है और वेरिएशन क्या है। जब मदर या फादर का गुण बच्चों तक पहुंचता है, गुण या अवगुण दोनों चीज, गुण में हो गया आपका अच्छा कैरेक्टर, गुण हो गया, और जो बुरा कैरेक्टर है जैसे डिजीज हो गया या कुछ बिहेवियर हो गए वो पहुंचता है, तो उसको बोलते हैं बुरा कैरेक्टर। तो अच्छा कैरेक्टर भी और बुरा कैरेक्टर भी जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है तो इसी को हम लोग इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग हेरिडिटी के नाम से जानते हैं। तो इनहेरिटेंस और हेरिडिटी यही चीज हो गया। फादर का अगर गुण आ रहा है तो वह पैटर्नल कैरेक्टर होता है, फादर का, दादाजी का। और मदर का अगर गुण आ रहा है तो उसको हम लोग मैटर्नल कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। तो पैटर्नल कैरेक्टर और मैटर्नल कैरेक्टर का पहुंचना ही पैटर्नल कैरेक्टर और मैटर्नल कैरेक्टर का पहुंचना ही इनहेरिटेंस कहलाता है। पैटर्नल कैरेक्टर और मैटर्नल कैरेक्टर का पहुंचना ही ये कहलाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में। इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इस चैप्टर में प्रिंसिपल का मतलब होगा सिद्धांत, ऑफ मतलब का, किसका, इनहेरिटेंस का, मतलब एक पैटर्नल गुण का, मैटर्नल गुण का, और वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब हो गया बदलाव। ठीक है, तो पैटर्नल गुण और मैटर्नल गुण के अलावा जो कुछ भी बदलाव दिखता है उस बदलाव को हम लोग वेरिएशन के नाम से जानते हैं। तो समझिए, इसमें दो बात को समझना है, पहले कि जेनेटिक्स क्या है, इसी को हम लोग इनहेरिटेंस और वेरिएशन को जो पढ़ते हैं उसी को हम लोग जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, और बार बार का है दुर्गा।